जैन शासन के लिए एवं समस्त राष्ट्र के लिए एक गौरवप्रद ऐतिहासिक अवसर यहां साकार होने जा रहा है। पंडित वर्य श्री धर्मदत्त जा विरचित गुडार्थ तत्वालोक ग्रंथ के ऊपर लिखी गई विराट यशोलता संस्कृत व्याख्या का विमोचन आज होने जा रहा है। तब प्रस्तुत है इस ग्रंथ का संक्षिप्त परिचय। हमारा भारतवर्ष प्राचीन काल से अपने ऋषि परंपरा एवं विद्या संपदा से सर्वोत्कृष्ट बना रहा है। बहुत सारे वैज्ञानिक तथ्यों का आविष्कार परापूर्व से भारत भूमि के ऋषि मुनि करते आ रहे हैं। हमारी प्राचीन विद्या संपदा का एक मूल्यवान उपहार है तर्कशास्त्र। सभी वैज्ञानिक संशोधनों एवं वैयक्तिक बुद्धिमत्ता की नींव तर्क शक्ति है। इस विषय में हमारे प्राचीन ऋषियों का सर्वोत्कृष्ट योगदान रहा है। इस तर्क विद्या की पराकाष्ठा हम देख सकते हैं गुडार्थ तत्वालोक ग्रंथ में। हमारा प्राचीन भारतवर्ष मधुबनी जनपद की भूमि बिहार राज्य के मिथिला प्रदेश में बसा है नवानी गांव। इस गांव के निवासी थे गुडार्थ तत्वालोक ग्रंथ के रचयिता पंडित वर्य श्री धर्मदत्त जी झा। उनका अपर नाम था बच्चा झा। धर्मदत्त झा अपने समय में विद्या के जिस चरम शिखर पर विराजमान हुए उस ऊंचाई तक पहुंचना किसी अन्य दार्शनिक के लिए संभव नहीं हुआ। सभी शास्त्रों में अबाध गति के कारण विद्वानों के द्वारा सर्वतंत्र स्वतंत्र की उपाधि से वे अलंकृत किए गए। बेजोड़ विद्वान थे धर्मदत्त जी। श्री धर्मदत्त जी ने शारदा भवन संस्कृत पाठशाला की स्थापना की थी और अपना पूरा जीवन सारस्वत साधना के पीछे न्योछावर किया था। उनकी मेधा अप्रतिम थी। उन्होंने जिन ग्रंथों का प्रणयन किया था वो आज भी विद्वानों के लिए एक चुनौती है। उनके द्वारा रचित अनेक ग्रंथ पुष्पों में से गुडार्थ तत्वालोक नाम से प्रसिद्ध ग्रंथ बहुत ही दुरू और अत्यंत कठिन है। यह बात तो सुप्रसिद्ध है कि आज तक आधुनिक विज्ञान में सर्वोत्कृष्ट प्रदान अल्बर्ट आइंस्टाइन का रहा है। उनके द्वारा पेश की गई थियरी ऑफ रिलेटिविटी को आधुनिक विज्ञान का उच्च शिखर माना जाता है। जब इस थियरी की प्रस्तुति हुई तब उस थियरी के मर्म को समझने वाले केवल दो ही वैज्ञानिक पूरे विश्व में थे। उस थियरी को समझना इतना कठिन था। ठीक उसी तरह तर्कशास्त्र के शिरमोर ग्रंथ गुडार्थ तत्वालोक को समझना बहुत ही कठिन है। आज पूरे विश्व में इस ग्रंथ को पूर्णतया समझाने वाले और समझने वाले प्राय 10 से ज्यादा विद्वान नहीं होंगे। यही कारण है कि आज तक इस ग्रंथ के ऊपर कोई व्याख्या का सृजन तो नहीं हुआ, अपितु इस ग्रंथ का सुंदर और सुरेख संपादन भी नहीं हुआ है। इस ग्रंथ को समझने हेतु सरकार के द्वारा बहुत सारे सेमिनार भी आयोजित हुए हैं। आज हमारे लिए गौरव लेने का अवसर आया है। एक जैन श्रमण ने अपने गुरुवर से प्राप्त विद्या के बल से इस कठिन ग्रंथ को अत्यंत स्पष्ट कर दिया है। अपने गुरुदेव षट दर्शन के प्रकांड विद्वान जैन आचार्य श्री यशो विजय श्रीश्वर जी महाराज के नाम से गर्वित यह यशोलता वृत्ति सभी विद्वानों के लिए आश्चर्यकारी है। मूल ग्रंथ गुडार्थ तत्वालोक केवल 41 पृष्ठों में सीमित हो जाता है, परंतु इसका स्पष्टीकरण 4500 पृष्ठों में हमारे जैन श्रमण श्री भक्ति यश विजय जी महाराज ने किया है। 900 श्लोक प्रमाण मूल ग्रंथ को समझाने हेतु 90,000 श्लोक प्रमाण गद्यमय ग्रंथ की रचना की है। 41 पृष्ठों के सरलीकरण के लिए 4500 पृष्ठ, 900 श्लोकों को समझने के लिए 90,000 श्लोक,
28,800 अक्षरों के रहस्यों को पाने के लिए 28,80,000 अक्षर, 41 पृष्ठों में निहित इतने सारे रहस्यों को आविर्भूत करना, यह तो केवल गुरु कृपा से ही मुमकिन है। वर्तमान विश्व में जितने भी संस्कृत व्याख्या ग्रंथ उपलब्ध है, इनमें से यह ग्रंथ सबसे ज्यादा विशाल कद का है। 90,000 श्लोक प्रमाण एक भी व्याख्या ग्रंथ आज इस विश्व में उपलब्ध नहीं है। ऐसी विराट यशोलता वृत्ति के सर्जक है श्री प्रेम भुवन भानु सुरेश्वर जी महाराजा के समुदाय के रत्न जैन मुनि श्री भक्ति यश विजय जी, जिन्होंने सांप्रत समय के सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक विद्वान आचार्य श्री का शिष्यत्व संप्राप्त किया है। उनके गुरुदेव जैन आचार्य श्री यशो विजय सुरेश्वर जी स्वयं दिग्गज विद्वान है, दर्शन शास्त्र के अनेक ग्रंथों के प्रणेता है और अपने उच्च संस्कार शिक्षण एवं कठोर परिश्रम के माध्यम से अपने शिष्य का भी ऐसा संस्करण किया है कि केवल 21 साल की उम्र में ऐसा विरल और विशाल सृजन वे कर पाए। मुनि श्री के साहित्य जीवन में यह प्रथम व्याख्या कृति है, तथापि शारदा माता के कृपा प्राप्त युवा मुनि की लेखनी ने जिस प्रकार की महिष्ट वृत्ति का सृजन किया है, उसके द्वारा उनके गुरुदेव आचार्य देव श्री यशो विजय सुरेश्वर जी की विद्वत्ता, शिष्य संस्करण एवं शत दर्शन के मार्मिक बोध होने का अनुमान करना मुश्किल नहीं है। गुडार्थ तत्वालोक ग्रंथ के ऊपर हुई ऐसी विराट रचना को देखते ही भारत वर्ष के श्रेष्ठ विद्वान आश्चर्यचकित हो जाते हैं। असंभव, ऐसा कार्य मनुष्य से नहीं हो सकता, या कोई देवता ही कर सकता है। गॉड गिफ्ट है, ईश्वर की कृपा के अलावा ऐसा सृजन शक्य नहीं। इस ग्रंथ की पंक्ति का उच्चारण भी आज मुमकिन नहीं हो रहा है, तब जाकर ऐसे विवेचन लिखना सचमुच ही भगीरथ कार्य है। ऐसे उद्गार है विद्वान पंडितों के। इसीलिए आज इस ग्रंथ के प्रति प्रीति एवं आदर भाव से खींचकर राष्ट्रपति सम्मानित श्री वशिष्ठ त्रिपाठी जी, प्रमुख भारत के श्रेष्ठ विद्वान, यहाँ उपस्थित हैं। विशेष आनंद की बात तो यह है कि श्री धर्मदत्त झा के प्रपौत्र श्री नरेश जी झा भी इस ऐतिहासिक अवसर पर यहाँ सप्रेम उपस्थित हैं। महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ जी कोविंद, माननीय उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, गुजरात राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी जी आदि राज्य पुरुषों ने भी ऐसी विराट वृत्ति को अभिनंदित किया है। हमारे लिए यह गौरवप्रद घटना है। इस ग्रंथ के संपूर्ण संशोधन करने का कठिनतम कार्य किया है जैन शासन के श्रेष्ठ विद्वान पन्यास प्रवर श्री रत्न बोधि विजय जी महाराज ने। पूज्यपाद सुविशाल गच्छाधिपति श्री जय गो सुरेश्वर जी महाराजा, पूज्यपाद पद्म भूषण आचार्य श्री रत्न सुंदर सुरेश्वर जी महाराजा, पूज्यपाद संघ शासन कौशल्याधार आचार्य श्री जय सुंदर सुरेश्वर जी महाराजा, पूज्यपाद तार्किक शिरोमणि साध्वी गण नायक श्री अभय शेखर सुरेश्वर जी महाराजा, पूज्यपाद विद्वान आचार्य श्री चंद्र सुरेश्वर जी महाराजा, पूज्यपाद विद्वान मुनिराज श्री राजधर्म विजय जी महाराजा आदि अनेक विद्वानों ने इस ग्रंथ को शुभेच्छा संदेश एवं प्रस्तावना से बधाया है। मुनि श्री भक्ति यश विजय जी का पूरा परिवार भी आज दीक्षित होकर जैन शासन की सेवा में संलग्न है। युवा मुनि के पिताजी हैं मुनिराज श्री नम्र यश विजय जी महाराज,
अपने पिता मुनि की उपकार स्मृति को चिरंजीव बनाने के लिए मुनि श्री ने ग्रंथ की गुजराती व्याख्या का नाम विनम्रा रखा है। युवा मुनि की मातृ श्री है सात्वी वर्या अरहम वर्षा श्री जी महाराज। उनकी बहन का नाम है साध्वी वर्या श्री कैवल्य वर्षा श्री जी महाराज। यह विराट सृजन इस परिवार के त्याग और समर्पण की बदौलत ही हो सका है। श्री उम्रा श्वेतांबर मूर्ति पूजक जैन संघ सूरत ने इस ग्रंथ के प्रकाशन का संपूर्ण लाभ लेकर अपनी श्रुत भक्ति प्रदर्शित की है। शासन रत्न श्री कुमार पाल भाई बी शाह ने श्री दिव्य दर्शन ट्रस्ट के द्वारा इस ग्रंथ को 14 विभागों में प्रकाशन किया है। इस सुवर्ण अवसर पर हम सभी गौरव से कहेंगे जयनम जयति शासनम।